तो देखिए पिछले कई घंटों से पूछताछ हो रही है और अब इसे लेकर सियासत भी आगे लगातार बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रौनक, कई घंटों से पूछताछ नवाब मलिक से ईडी लगातार कर रही है, कोई जानकारी अहम निकलकर सामने आई है क्या अभी तक? जी देखिए, जो जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि 3 घंटे से नवाब मलिक के साथ से पूछताछ जो है वो चल रही है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो जिस तरह से उन पर एक कार्रवाई की गई है उसके बाद से लगातार सियासत जो है वो महाराष्ट्र में तेज होती हुई दिख रही है। खुद NCP प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया है कि बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से की गई है और केंद्रीय एजेंसियों का केंद्र सरकार की तरफ से लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और नवाब मलिक जो कि ईडी और केंद्र सरकार को लेकर लगातार मुखर है इसलिए उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और पहले से ही एनसीपी और खासतौर से खुद नवाब मलिक इस कार्रवाई को लेकर एंटीसिपेट कर रहे थे कि कार्रवाई होगी। मुख्य तौर पर ईडी के सूत्र क्या बता रहे हैं कि किस तरह की अभी कार्रवाई चल रही है, हमारे साथ बात करने के लिए सूरज ओझा है। सूरज, ये बताइए कि क्या कुछ अभी पूछताछ हुई है और क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, नवाब मलिक से जो भी पूछताछ चल रही है वो इकबाल कासकर ने जो बयान दिया है उसके आधार पर चल रही है। इकबाल कासकर ने एक ज़मीन के बारे में बात की है और आरोप ऐसा है कि नवाब मलिक और परचेस या उसकी डीलिंग में कहीं ना कहीं उनका हाथ है, तो ये जो पूरी लिंक है इसे वेरीफाई करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। साथ ही उन्हें वो जो भी कहेंगे उससे संबंधित दस्तावेज भी मांगे जाएंगे ताकि चीजों को वेरीफाई किया जा सके और लीगली जो एक्शन होता है वो किया जा सके। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, जैसे सूरज ने बताया कि जो कुछ लीगल ऑप्शन होंगे वो देखने के बाद ही कार्रवाई जो है वो ईडी करेगी। जी, इस खबर पर जो भी अपडेट होगा रौनक कोकड़े और सूरज ओझा के जरिए आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।